यहाँ मैं आया हुआ था बनारस देव दीपावली, और यहाँ की देव दीपावली यार सबको पता है पूरी फेमस है, बहुत भीड़ है, बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो में। वर्थ इट रहा ना, हालत ख़राब हुई थके चले पर बहुत मज़ा आया। तो वीडियो देखना आखिर तक, और लेज़र शो पूरा का पूरा इसमें आपको मिलेगा। देखिए घाट we'll be right back.
कोई नहीं बताएगा कि देव दिवाली में इतनी भीड़ भी होती है। घाट पे गुस्से में नरक हो गया। गली गली में साथ जाते केदारघाट भाई रिलायंस ट्रेंड्स वालों के प्रचार जा रहा है तो ऐसा आपका सा आगे का कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे इतनी Thank you.
यहाँ पे बनारस शाम वाली गंगा आती है। आज वैसे आम लोगों को आना बहुत मुश्किल था, योगी जी आए थे और कई और पॉलिटिशियंस भी थे। वोट लड़ते लड़ते अरे यार सबसे ज़्यादा था वो वाला वजह, वो जाते समय वाली जो डॉज हुआ था वो वाला ज़्यादा खतरनाक था, एकदम सामने सामने सीधे लड़ा होता। त्रिपुरासुर के हरण और मुक्ति के दिन देवताओं ने स्वर्ग में देव दीपावली मनाई। और धरती पर काशी के वासियों ने इस दिन काशी का प्रकाश स्वर्ग में और आकाश का प्रकाश गंगा में ऐसे प्रतिबिंबित होगा कि उस रोशनी में कार्तिक पूर्णिमा का चंद्रमा भी मध्यम पड़ जाता है। आप और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इस वर्ष देव दीपावली पर हम सब काशी में उपस्थित हैं। आइए हम भी इस चमत्कार का हिस्सा बन जाएं, जहां आग और पानी, प्रकाश और अंधकार, आकाश और पृथ्वी, अमर्त्य देवगण और मध्यमांश तथा अनंत अंतरिक्ष सब मिलकर एक हो जाते हैं। उसी दिन से भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती भी काशी में अपने घर लौट आते हैं और गणेश जी के धन्यवाद स्वरूप काशीवासी 56 विनायकों की स्थापना करते हैं।
फाइनली यहाँ लेजर शो खत्म और अब चला जा सकता है वापस। पर ओवरऑल यार बहुत मज़े आए, बहुत ज़्यादा मज़े आए, वर्थ इट था आना। डेफिनेटली आओ एक बार देव दिवाली पर, पहले दिन प्री बुकिंग कर। अब जाके चेत सिंह घाट को क्रॉस करने का मौका मिला है लेजर शो के बाद। अब इधर चलते हैं इसके आगे 80 तक। इधर वैसे अच्छा होगा, उस साइड ज़्यादा भीड़ था क्योंकि उधर केदार घाट, दशाश्वमेध, गंगा आरती, विश्वनाथ सब कुछ उधर ही पड़ता है। इस साइड चेत सिंह के बाद एक बड़े घाटों में एक 80 घाट आता है फेमस स्टार्टिंग पॉइंट, अदरवाइज सब मस्त।